आज हम बात करेंगे थर्मल फ्लूइड पावर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है जिसमें टॉपिक है बॉयलर माउंटिंग एंड एसेसरीज। तो ये टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे इसका डिटेल्स, माउंटिंग और एसेसरीज। बॉयलर में मतलब ये क्यों इंपॉर्टेंस देता है बॉयलर के लिए। तो सबसे पहले माउंटिंग और एसेसरीज ये होता क्या है, उसके बाद देखेंगे कि ये बॉयलर में किधर कहाँ और कैसे यूज़ करते हैं, इसका फंक्शन क्या है। तो माउंटिंग पहले देखेंगे, माउंटिंग होता क्या है। डिवाइस इंस्टॉल इन बॉयलर फॉर ऑपरेशन एंड सेफ्टी पर्पज। अभी माउंटिंग मीन्स किसी जगह पे माउंट करना है या किसी जगह पे लगाना है, किस लिए, ऑपरेशन के लिए और उसके सेफ्टी पर्पज़ के लिए। मीन्स बॉयलर में जो ऑपरेशन हो रहा है उसके लिए और उसके सेफ्टी के लिए, ऑपरेशन को कुछ नुकसान न पहुंचे इसलिए हम उसके सेफ्टी के लिए जो डिवाइस इंस्टॉल करेंगे उसको बोलते हैं माउंटिंग। और एसेसरीज, डिवाइस इंस्टॉल इन बॉयलर फॉर एफिशियंट ऑपरेशन एंड स्मूथ वर्किंग। अभी एसेसरीज क्या है, जो ऑपरेशन हो रहा है वो एफिशिएंसी होए, मतलब ज़्यादा आउटपुट दे। इनपुट कितना भी हम रखें लेकिन आउटपुट हमेशा ज़्यादा दे। और जो ऑपरेशन हो रहा है वो स्मूथ वर्किंग होना चाहिए, मतलब उसमें किसी तरह का प्रॉब्लम ना आए। स्मूथ वर्किंग और एफिशिएंट आउटपुट, ये दो माउंटिंग और एसेसरीज के डेफिनेशन है। उसके बाद ये बॉयलर माउंटिंग का ओवरव्यू डायग्राम, इसके जो माउंटिंग के जो ये छः टॉपिक्स, ये बॉयलर माउंटिंग है। माउंटिंग के छः डिवाइस बॉयलर में कहाँ कहाँ लगाए गए और उसके फंक्शन क्या है और उसका पोजीशन क्या है बॉयलर पे ऊपर नीचे, ये सब हम डिस्कस करेंगे बॉयलर माउंटिंग में। और ये है एसेसरीज ऑफ बॉयलर्स, मीन्स स्मूथ वर्किंग और एफिशिएंट ऑपरेशन। तो ये सब हमने डायग्राम बना के रखा है। ये सब देखिए अलग अलग डिवाइस है जो इस एफिशिएंट वर्किंग के लिए लगाते हैं, ये इसके डिवाइस और इसके फंक्शंस, ये एसेसरीज ऑफ बॉयलर्स है। हाँ एक्चुअली बॉयलर और माउंटिंग एसेसरीज का पहले हम एग्जांपल देख ले, एक मतलब हमारा नेचर में उसका उस टाइप का एग्जांपल कहाँ होता है। तो हमारा क्लासरूम देख लीजिए, ये सपोज एक मैकेनिकल डिपार्टमेंट का क्लासरूम है, उस क्लासरूम को आप एज्यूम करिए वो बॉयलर है। तो अभी आपने बॉयलर में क्या पढ़ा, माउंटिंग एसेसरीज, मतलब एक डिवाइस जो कि ऑपरेशन और सेफ्टी के लिए लगाते हैं और एक डिवाइस जो एफिशिएंसी के लिए लगाते हैं, मतलब ज़्यादा एफिशिएंट के लिए लगाते हैं। तो हम क्लासरूम में देखेंगे, अभी हमारे क्लासरूम में डोर, विंडो, ये रूफ, ये वॉल, ये सब होता है। ये सब किस लिए होता है, सेफ्टी पर्पस, जो अंदर स्टूडेंट्स बैठे हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो इसके लिए वॉल लगाते हैं। ऊपर से कोई कुछ डिस्टर्बेंस ना हो, कुछ आउट एक्सटर्नल कुछ मटेरियल ना है, इसके लिए हम रूफ लगाते हैं। डोर लगाते हैं ताकि बाहर का जो नॉइस ये सब है अंदर ना आए। विंडो लगाते हैं फॉर सेफ्टी पर्पस। तो ये सब जो हमारा है ये माउंटिंग में आ जाता है, ऑपरेशन एंड सेफ्टी पर्पस, डोर, विंडो, रूफ, वॉल, ये क्लासरूम के। अभी इसके अंदर एसेसरीज डिस्कस करेंगे। एसेसरीज मीन्स एफिशिएंट ऑपरेशन। अब इसमें ऑपरेशन क्या होता है, सर हमको नॉलेज देते हैं, वो नॉलेज स्टूडेंट के अंदर जाता है। तो वो कब जाएगा, जब हमारा सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मीन्स क्लासरूम में लाइट रहेगा तब जाके ये पूरा प्रोसेस होएगा, बिना लाइट के कुछ होएगा नहीं। बोर्ड या प्रोजेक्टर एक्सप्लेन करने के लिए टॉपिक रहना चाहिए, जो कि बोर्ड पे हमको प्रैक्टिकली ऐसे दिखाएंगे ये ऐसा होता है। अगर वो बोर्ड नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम होएगा, डिफिकल्ट होएगा एक्सप्लेन करने में। फिर एसी या कूलर जो हम इंस्टॉल करते हैं, अंदर गर्मी अगर ज्यादा हो तो बच्चे टेंशन में आ जाते हैं, ज्यादा मतलब क्लासरूम में गर्मी होने लगता है जिसकी वजह से ब्रेन हमारा काम करना बंद कर देता है। फिर प्रोफेसर अच्छे इंस्टीट्यूट के रहेंगे तो हमको अच्छा नॉलेज और मिलेगा और डीप में हमको एजुकेशन मिलेगा। तो ये सब हो गया एसेसरीज और ये सब हो गया माउंटिंग। ओके, तो बॉयलर माउंटिंग, अभी हम इसका रियल में बॉयलर में कहाँ कहाँ लगते हैं, इसका यूज़ क्या है डिवाइस का, ये डिस्कस करेंगे। तो बॉयलर माउंटिंग हमने पढ़ा था, बॉयलर माउंटिंग ऑपरेशन और सेफ्टी, ये दो चीज़ के लिए डिवाइस इंस्टॉल करते हैं। ये हमारा ओवरव्यू डायग्राम है बॉयलर का, ये मैंने शॉर्टकट में ऐसे बना के रखा है ताकि आपको समझ में आए। बुक में ऐसा ये डायग्राम दिया नहीं है बुक में, और ऐसा डीप में पूरा दिया है तो उसमें एग्जाम के टाइम पढ़ने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है, या इसके लिए हमने ऐसा शॉर्टकट में लिख दिया ताकि ध्यान में जल्दी आ जाए। तो ये हमारा ओवरव्यू डायग्राम है। हॉरिजॉन्टल बॉयलर, वर्टिकल बॉयलर भी होता है, इंक्लाइंड बॉयलर भी होता है, लेकिन हम हॉरिजॉन्टल में एक्सप्लेन कर रहे हैं। बॉयलर में अभी हमारा आधा परसेंट वाटर होता है, मींस हाफ तक वाटर होता है और उसके ऊपर स्टीम प्रोड्यूस होता है। वाटर को हम हीट करते हैं तो वाटर स्टीम प्रोड्यूस करता है और वो स्टीम हमारा यूज होता है इंजन टर्बाइन चलाने के लिए, जहां हमको आउटपुट चाहिए वर्क में। तो हमारा इसमें छह डिवाइस है, ब्लो ऑफ वॉल्व, वाटर गेज, प्रेशर गेज, सेफ्टी वॉल्व, स्टॉप वॉल्व और फीड चेक वॉल्व। अभी ये पहले इसका फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं, ये सब है क्या। अभी सेफ्टी वॉल्व, सेफ्टी वॉल्व क्या है, टू रिलीज द एक्सेस स्टीम व्हेन प्रेशर इनसाइड बॉयलर एक्सीड्स वर्किंग टेम्परेचर। तो अभी सेफ्टी वॉल्व हमने क्या पढ़ा कि जो
एक्स्ट्रा प्रेशर रहता है मीन्स बॉयलर के अंदर, वो निकालता है। अभी होता क्या है, जब बॉयलर ऑपरेशन के वर्किंग कंडीशन में होता है तो क्या होता है, पानी अंदर जाता है बॉयलर के अंदर, पानी हीट होता है और स्टीम प्रोड्यूस होता है। तो कभी कभी क्या होता है, स्टीम इतना ज़्यादा प्रोड्यूस होता है कि वर्किंग कंडीशन का जो प्रेशर रहता है उससे भी ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, जिसकी वजह से बॉयलर फटने का चांस रहता है। इसलिए हम सेफ्टी वॉल्व यूज़ करते हैं। वो क्या करता है, जो एक्स्ट्रा प्रेशर रहता है बॉयलर के अंदर उसको रिलीज कर देता है, तो वो सेफ्टी वॉल्व का काम है। अभी प्रेशर गेज, प्रेशर क्या क्या करता है, आपको नॉर्मली पता ही होगा, प्रेशर गेज मीन्स टू मेजर द प्रेशर। अभी ये किस में इंस्टॉल्ड है, बॉयलर में, तो फिर वो बॉयलर का प्रेशर, अभी बॉयलर में जो फैक्टर्स है, ये टोटल 7 फैक्टर्स है और उसके फंक्शंस ये हम डिस्कस करेंगे। तो पहला फैक्टर है हमारा वाटर लेवल इंडिकेटर। तो ये वाटर लेवल इंडिकेटर बॉयलर में लगाया किधर जाता है और उसका फंक्शन क्या होता है ये देखेंगे। तो वाटर लेवल इंडिकेटर हमारा इधर लगा है बॉयलर में, जहाँ वाटर और स्टीम के बीच में लगा है। तो ये वाटर लेवल इंडिकेटर क्या करता है, टू इंडिकेट द लेवल ऑफ वाटर इन द बॉयलर। इसका काम क्या है, बॉयलर के अंदर जो वाटर है उसका लेवल वो इंडिकेट करता है कि वाटर का लेवल कम है या ज़्यादा है, वो बताता है। क्योंकि अगर कम रहेगा तो हीट प्रोड्यूस होना कम हो जाएगा, ज़्यादा रहेगा तो बॉयलर को प्रॉब्लम आएगा। तो वो वाटर गेज वही इंडिकेट करता है कि वाटर का लेवल कम या ज़्यादा है। उसके बाद आता है प्रेशर गेज। प्रेशर गेज टू मेजर द प्रेशर एक्सर्टेड इन साइड द वेसल। ये जो बॉयलर में जो वाटर से कन्वर्ट होता है स्टीम में, तो स्टीम जब ये प्रोड्यूस होता है तो प्रेशर प्रोड्यूस होता है, तो वो प्रेशर बॉयलर में कितना प्रोड्यूस हुआ है वो प्रेशर गॉज बताता है। दूसरा फ्यूजिबल प्लग। फ्यूजिबल प्लग टू प्रोटेक्ट बॉयलर अगेंस्ट डैमेज ड्यू टू ओवर हीटिंग फॉर लो वाटर लेवल। एक मिनट। फिर उसके बाद आता है स्टॉप वॉल। स्टॉप वॉल क्या है, टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ स्टीम फ्रॉम बॉयलर टू स्टीम पाइप। अभी ये स्टॉप वॉल हमारा टॉप पे लगाया जाता है, बॉयलर के टॉप पे, जहाँ से स्टीम सप्लाई होता है टरबाइन में या किसी इंजन में या किसी इंडस्ट्री में चलाने के लिए। तो स्टॉप वॉल का मीन्स यूज़ क्या होता है कि जो अपना स्टीम सप्लाई होता है थ्रू पाइप, उसको स्टॉप कर सकता है या उसको मूव कर सकता है। मीन्स वो स्टॉप स्टीम के लिए, स्टीम में जो पाइप है उसके अंदर यूज़ करते हैं इसको स्टॉप वॉल में। किसी भी, अभी आपका नल है तो नल से अगर आपको पानी चाहिए तो आप रेगुलेट ऑन करते हो, रेगुलेट ऑफ करते हो, तो वो हो गया स्टॉप वॉल। उसके बाद फीड चेक वॉल। ये फीड चेक वॉल हमारा जो हमारा वाटर लेवल रहता है उसके जस्ट बिलो लगाते हैं। किस लिए, टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ वाटर टू द बॉयलर। ये हम वाटर लेवल के जस्ट बिलो लगाते हैं, इससे हम पानी का सप्लाई बॉयलर के अंदर करते हैं फीड चेक वॉल से। फिर ब्लो ऑफ वॉल, वो किस लिए रहता है, ये बॉयलर के हमेशा एकदम नीचे रहता है। ये किस लिए रहता है, ताकि बॉयलर का 2-3 जब साल हो जाते हैं तो बॉयलर का एफिशिएंसी रहता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो इसके लिए हम बॉयलर को क्लीन करने के लिए ये ब्लो ऑफ वॉल निकालते हैं। इससे क्या होता है, इससे हम पानी बॉयलर का निकाल के उसको क्लीन या उसको मैन्युफैक्चर और कुछ जो इसमें डैमेज हुआ है वो ठीक कर सकते हैं। तो ब्लो ऑफ वॉल भी ये, टू एम्प्टी द बॉयलर व्हेन नेसेसरी फॉर क्लीनिंग इंस्पेक्शन एंड रिपेयर। तो ये इसका ओवरव्यू, मतलब शॉर्टकट में ऐसा डायग्राम और इसके 6 फैक्टर और इसके फंक्शन है। ओके, थैंक यू। ओके, तो ये बॉयलर माउंटिंग मैंने आपको बता दिया। अगर इसमें आपको कोई डाउट है किसी फंक्शन का या किसी के पोजीशन का, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपको डाउट सॉल्व हो जाएगा। और फिर जो हमारा बॉयलर एसेसरीज रह गया, वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बॉयलर एसेसरी का फंक्शन, उसका पोजीशन जो रहता है। ओके, थैंक यू।